जनपद हमीरपुर के राठ में 1984 के सिख दंगों पर कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा के कथित विवादित बयान से भारतीय जनता युवा मोर्चा में उबाल आ गया। आक्रोशित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान के समीप इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का पुतला फूंकते हुए जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर शिवरतन विश्वकर्मा, संजय त्रिपाठी, संजीव आर, अमरजीत अरोड़ा, धनंजय सोनी, मनीष सोनी, गुड्डू, दीपू मुंशी, रोहित गुप्ता, संदीप सैनी, गौरव साहू, अतुल सोनी, अनुज सक्सेना आदि मौजूद रहे। दहन किया गया है तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो सोनिया गांधी और गांधी परिवार का राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा, जो कि एक बहुत ही द्वयम दर्जे का इंसान है और जिसने हमारे सिख भाइयों के लिए एक ऐसा वक्तव्य दिया है कि जो वाकई में जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और उसने कहा है कि जो हुआ सो हुआ और फिर होगा। तो हम भी कहते हैं कि यदि अब दोबारा की हिम्मत हो करके दिखाएं, पूरा गांधी परिवार का सर्वनाश भी हो जाएगा। और 84 के दंगों के लिए लेकर उन्होंने हमारे सिख भाइयों के लिए जो ऐसे घटिया स्टेटमेंट दिया, हमारा युवा मोर्चा, हमारे सभी साथीगण और हमारे नगर अध्यक्ष जी सभी लोगों ने मिलकर आज इसीलिए उसका पुतला दहन किया। और उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है और ये सब लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए मानवता और कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भारत माता की। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।